हेलो एवरीवन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इफ ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 10, -6 एंड बी k, 4 एंड ए -2b इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ए बी। इससे बोला है जो पॉइंट ए कोमा बी है ये मिड पॉइंट है पॉइंट ए और बी से बनने वाली लाइन का, ठीक है, और ए -2b इज इक्वल टू 18 भी दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है और बाद में डिस्टेंस ए बी भी निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, ये आप हमारे पास हो गया ए 10, -6 और ये हो गया बी k, 4, इनका मिड पॉइंट है पॉइंट पी ए कोमा बी, ठीक है जी। अब मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है ना, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 और y इज इक्वल टू y1 + y2 / 2। भाई x की जगह पे आ गया a, x1 की जगह पे tan, x2 की जगह पे k / 2, तो यहाँ पे आपका वही 2a इज इक्वल टू tan प्लस k आ गया, ठीक है। और यहाँ से y में क्या आएगा, y की जगह पे b, y1 की जगह -6 और y2 की जगह पे 4, ठीक है, / 2, तो b इज इक्वल टू आ गया -2 / 2, b इज इक्वल टू -1, भाई b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है जी। अब हमें a माइनस का 2b इज इक्वल टू 18 ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ पे b की जगह पे लिख देंगे -1, तो a इज इक्वल टू हो गया, प्लस का 2 बन गया उधर गया तो 16 हो गया, तो a की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 16, ठीक है जी। अब हम a की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे, आप इसको 1 मान लेते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो 2a की जगह 16 इज इक्वल टू 10 प्लस का k, यह आएगा 32 इज इक्वल टू 10 प्लस k, देन k इज इक्वल टू 22, ये हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है जी। अब इसने बोला है कि ऑल्सो डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो ए बी भी हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम ए बी फाइंड करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू आएगा रूट में के माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 4 -- प्लस 6 का स्क्वायर, के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 22 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर 100 लिख देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस 100 आएगा 244, जिसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 61 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया 2 √61, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है।